कोई रोको ना इनको, ये सूरज से मिलने को निकली, कोई टोको ना, ये तो खुद अपनी मंजिल है। अब निकल जाओ मेरे घर से। सुनिए जी, बेटा है वो आपका, आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप तो क्यों नहीं माफी मांग लेता है? सिर्फ कुछ करना, सिर्फ समझाना अपने पापा जी को। पापा जी बात तो अरुज, मैं किसी से माफी नहीं मांगने वाला। सिमी सुन, समझाना अपने पापा जी को। चलो अनीता। अनुज, अनुज नहीं आता, अनुज, अनुज ऐसे नहीं जा सकता। अनुज, अनुज सुन, अनुज, अनीता, पापा जी प्लीज। पापा जी, मेरे पास मैं बात करूंगी पापा जी से। अनुज, अनुज मैं तुझे नहीं जा रही तो क्या नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। अच्छा प्लीज, अनुज मेरी बात सुन। अब और क्या चाहिए आपको सिमिली? यही चाहती थी ना आप? मेरे डैडी ने पहले ही कहा था कि हमारी शादी इनके शादी के बाद होनी चाहिए, वरना हमें कभी चैन नहीं मिलेगा यहाँ। लेकिन आपको पता नहीं किसका इंतजार है। इस उम्र में भी कोई फिल्मी हीरो की तलाश है आपको शादी करने के लिए? कीजिए तलाश और रहिए अपने घर में। तो क्या अगर इस वजह से आपके भाई को घर छोड़ना पड़े? एक बात बताइए सिमिली, आप जानती थी ना कि 12/24 एक दिन इस तरह बढ़ जाएगा? यही प्लान था ना आपका, तीनों बहनें एक तरफ और भाई और भाभी दूसरी तरफ? यही चाहती थी ना आप? अरे काश आपने मुझे पहले बताया होता तो कम से कम मैं अनुज को जलील होने से तो बचा लेती। चलो अनुज, अब और बेइज्जती नहीं करानी हमें यहां। शायद यही दिन दिखाने के लिए सिमिली ने हमारी शादी कराई थी।
ये आपने क्या किया जी? वो जैसा भी है हमारा बेटा है। मैं भी जैसा भी हूं उसका बाप हूं। उससे तो ये भी नहीं हुआ कि मुझसे माफी मांग ले। एफडी के पैसे कहाँ हैं? बैग में। लगता है आज हमें करोल बाग के किसी होटल में ही रहना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, खामखा इन पैसों को खर्च करने के आइडिया मत दो तुम। ये पैसे मेरे हैं। हम जाएंगे कहाँ? मेरे घर और कहाँ? हेलो हेलो मॉम। याद है मंजू जी, चारों बच्चे छोटे थे, दिवाली का दिन था, एक पैसे की भी बिक्री नहीं हुई थी मेरी दुकान पर। शाम को मैं चार टुकड़े बर्फी के लेकर घर पहुंचा था, सिर्फ बच्चों के लिए, और उनकी खुशी देखकर हमने अपना मुंह मीठा कर लिया था। लेकिन आज आज एक बच्चा चारों टुकड़े बर्फी के खा लेना चाहता है। हम ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? क्यों मांगे मैंने पापा जी से पैसे? अरे अगर लंदन नहीं जाती तो क्या हो जाता तेरा? जानती है कि पापा जी की दुकान बंद और तू अपने बारे में सोचने लग गई। क्यों मांगे मैंने पैसे? सॉरी पापा जी। मुझे माफ कर दो, नहीं जाना मुझे कहीं पे भी। रहना नहीं रहना अपने पापा जी के पास। वो हमारा ही खून है, क्यों किया उसने ऐसा? उसमें इतना फर्क कैसे आ गया? वक्त के आगे संस्कार भी कमजोर हो जाते हैं मंजू जी। क्या चाहती हूँ मैं? इन हालात में माँ पापा जी ये जान जाए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। नहीं, मैं भी स्वार्थी हूँ, मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा। मुझे विकी से मिलना ही नहीं चाहिए था। मुझे कुछ करना होगा, लेकिन अबॉर्शन याद है ना आपको अनुज? कमजोर पैदा हुआ था, महंगे टॉनिक खरीदने के लिए उस वक्त भी मेरे पास पैसे नहीं थे। पर उस कमजोर बच्चे की मालिश आपने भी रात भर की थी। मेरी तरफ क्या हो रहा है इस घर में? एक रिश्ता आया मेरे लिए जो वैसे ही गलत निकला, और पापा जी कितना कुछ गवा बैठे।
अब मैं किस मुंह से जाकर अभी के बारे में बात करूं पापा जी से? ये रिश्ता भी तो ठीक नहीं, अभी मुझसे कितना छोटा है। अभी के बारे में बताकर मैं सिर्फ माँ पापा जी की परेशानी बढ़ाऊंगी और कुछ नहीं। ऐसा क्या हुआ रीता जो तुम दोनों इस तरह, वो भी इतनी रात गए? डैडी, डैडी मुझे अच्छी तरह से याद है, आपने कहा था कि अनुज से शादी करूंगी तो यही सब होगा। लेकिन मैं फिर भी घर से भागी, हर तरह से जिद की मैंने अनुज से शादी करने के लिए। डैडी, हम यहां आपके घर सिर्फ 2-3 दिन ही रहेंगे, जब तक हम दोनों अपना कोई इंतजाम नहीं कर लेते। अनुज, टेंशन मत लो फिलहाल, चलो एक एक ड्रिंक पीते हैं। तुम लोगों ने खाना भी नहीं खाया होगा ना? रोजी, अभी मुझे बस एक बार पता चल जाए कि सब के जिम्मेदार तू और सिमी हैं, फिर देखना बच्चू मैं तुम दोनों का जीना कैसे हराम करती हूं। सिमी, सिमी जी। बेटा चाय बना दे और अनुज का डिब्बा तैयार कर दे। मिली, ओ मिली। हाँ माँ।
देख अनुज के दरवाजे पे हौले से खटखटाना। अनीता सो रही होगी, उसे आवाज पसंद नहीं है। अनुज का मेट्रो पास भी खत्म हो गया है, उसको वो भी याद दिलाना। ऐसे क्या देख रहे हो मुझे तुम लोग? सिमी, चल नाश्ता बनाने में मेरी मदद कर। अच्छा सुन, तू नीतू को उठा दे, उसे मेरे साथ डॉक्टर के यहां जाना है। नाश्ता मैं देती हूं। नीतू, सिमिदी, अब हम क्या करेंगे? तू कुछ मत बोलना, मैं माँ से बात करूंगी, तू यहीं रह। नकुल बेटा, मैं माफी चाहता हूं, सिमो आज तुमसे नहीं मिल पाएगी। दरअसल आज घर में बाबूजी आपकी बात काटने के लिए माफी चाहते हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सिमी जी के लिए हमारे अलावा कोई और भी रिश्ता देख रहे हैं? देखिए, हम आपको रोक तो सकते नहीं, लेकिन हाँ, इतना जरूर चाहेंगे कि आप हमें सब कुछ साफ साफ बता दें। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, मैं उन आदमियों में से नहीं हूँ जो बात को घुमा फिरा कर करते। राजेंद्र सेठी ने अगर कह दिया है कि तुम उसकी बेटी से मिल सकते हो, तो वो अपनी बात से पलटेगा नहीं। पापा जी, नकुल एक मिनट बेटा, सिमी मुझसे कुछ कहना चाहती है। हाँ बेटा। बेटा मैं नकुल से ही बात कर रहा था। सिमो, मैं जानता हूं कल रात के बाद मैं नकुल से यही कह रहा था। नहीं नहीं पापा जी, नकुल जी को दो बार हाँ कह के मैं किसी वजह से मिल नहीं पाई, आज फिर ना कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। ठीक है बेटा। पापा जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आधे घंटे में तैयार हो जाऊंगी, आप बस नकुल जी को कह दीजिए कि मैं आज उनसे जरूर मिलूंगी। ठीक है बेटा। नकुल, सिमो कह रही है कि वो तुमसे आज जरूर मिलेगी। हाँ, बस उसे 20-25 मिनट तैयार होने में लगेंगे। जी बहुत अच्छा, हम सिमी जी और नीतू को लेने ठीक 40 मिनट में पहुंच जाएंगे। ठीक है बेटा। चल तैयार हो जा। लेकिन दी, अगर घबरा मत, तू माँ के साथ डॉक्टर के पास नहीं जा रही, मेरे साथ नकुल जी से मिलने जा रही है। नकुल जी का ड्राइवर भी होगा ना वहां पे? क्या मतलब? वो एक्चुअली मैंने उस दिन के लिए उसे थैंक यू नहीं कहा। मैं तैयार होती हूँ। अब डॉक्टर तो है ही नहीं, शहर के बाहर गया हुआ है, एक हफ्ते बाद आएगा। हाँ माँ, वो नकुल जी भी कह रहे थे कि नीतू को साथ में ले आना। अच्छा ठीक है, अगले हफ्ते पक्का लेकर चलूंगे तुझे डॉक्टर के पास। हुँ? क्या जरूरत है माँ, मैं बिल्कुल ठीक तो हूँ। एक ड्राइवर उठाकर लाया था तुझे उस दिन, ये बात का मतलब समझते हैं तू? ड्राइवर को उठा कर लाना। नीतू, अब हमारे पास सिर्फ एक दिन बाकी है, हमें मैटरनिटी क्लिनिक जाकर ये बच्चा गिरवाना होगा।